इस वक्त आगे करें वॉइस ऑफ एमपी में आपके साथ में है। इस वक्त कैबिनेट की बात करें तो एक तरफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली का ऐलान कर कर्मचारियों को होली का तोहफा दिया है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारियों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, शिवराज सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली से इनकार कर दिया है। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने साफ कर दिया है कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। हालांकि इस संशोधन के लिए विचार किया जा सकता है। बुधवार 9 मार्च को बजट पेश करते हुए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि प्रदेश में पुरानी पेंशन लागू करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि वर्तमान में जो पेंशन लागू है इसमें आगे कुछ संशोधन कर सकते हैं। वित्त मंत्री के इस बयान से लाखों कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि सरकार बजट सत्र में इसे बहाल कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि मध्य प्रदेश के पिछले कई दिनों से कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर मोर्चा खोला हुआ है। वहीं बीजेपी कांग्रेस विधायक ने इसका समर्थन किया था। हाल ही बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने और अनिल जैन समेत कांग्रेस के 90 से ज्यादा विधायकों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर मांग की थी। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने तो आंदोलन की चेतावनी भी दे दी थी, बावजूद इसके बहाल नहीं की गई। बीते दिनों कर्मचारियों ने 13 मार्च को बड़े आंदोलन की बात भी कही थी। तो ये था अब तक अपडेट। लगातार जानकारी के लिए बने रहे वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।